सो गाइस, पहली बात है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, इतना बड़ा शो मिला है, इतना ह्यूज शो मिला है. तो मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगी और पूछना चाहूंगी किस तरह से ये शो का ऑफर हुआ और जो भी छोटे में बता पाए वो पूरा प्रोसेस क्या था इस रोल के लिए सिलेक्ट होना. मैंने ऑडिशन दिए थे, फिर उन्होंने दूसरे कॉस्ट्यूम में ऑडिशन पूछा तो मैंने वो भी ऑडिशन दिया. एज मतलब जनरली मैं ऑडिशन देते रहता हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग में कुछ करना है. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑडिशंस ओनली, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो ऑडिशन दिया, फिर उन लोगों का रिप्लाई आया कि दूसरे कॉस्ट्यूम में ऑडिशन दो. मैंने दूसरे कॉस्ट्यूम में ऑडिशन दिया, देन दे कॉल्ड मी फॉर लुक टेस्ट. अरे एक मिनट, ज्योति बहुत आवाज़ आ. तो दे कॉल्ड मी फॉर लुक टेस्ट. लुक टेस्ट में मुझे बाल्ड किया उन्होंने. okay. वो नकली बाल्ड जो होता है, मेकअप जो होता है, फिर उसमें मेरा लुक टेस्ट हुआ. उसके बाद आई वेंट टू मनाली फॉर सम अदर शूट. तब उनका मुझे फ़ोन आया कि आपका सेकंड लुक टेस्ट लेना है, तो आप आ जाओ. देन आई केम बैक, आई गेव लुक टेस्ट और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन. एंड व्हाट अबाउट यू, जब आपको पहली बार तो ऑफर आया, कितना तो टाइम लगा ये जानने में कि कितना बड़ा ह्यूज कैरेक्टर, किस तरह से सिलेक्शन हुआ? पहले मुझे पता नहीं था कि ये मीन्स काशीबाई बजरा बल्लाड की सीरियल है. तो सबसे पहले मैंने बिहू भाई के लिए ऑडिशन दिया था. अच्छा. तो फिर उन्होंने बोला कि ये काशीबाई के लिए भी चल सकती है, तो मुझे काशीबाई में ले लिया. और उन्होंने पहले मुझे बुक शूट के लिए बुलाया, फिर लुक टेस्ट हुआ, फिर मैं फाइनल हो गई. जब आपको पता चला कि आप अपने अपने कैरेक्टर्स के लिए सिलेक्ट हो गए. मैं तो नाच रहा था, मैं तो बहुत खुश था. आई कॉल्ड माय मॉम, मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरी मॉम शिरडी के पास, श्रीरामपुर के मेरा होम टाउन है, वहाँ रहते हैं. तो मेरे मॉम को मैंने सबसे पहले फ़ोन किया और मॉम को बताया, मॉम भी नाचने लग गई. वी वर वेरी हैप्पी. व्हाट अबाउट यू बेटा, जब आपको पता चला यू आर सिलेक्टेड? ये मेरा फर्स्ट शो है, तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हो गई. मीन्स मेरे मम्मी और पापा भी मीन्स इतने हैप्पी हो गए. वैसे मैंने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा को पता था, तो वो बहुत ही मीन्स बहुत हैप्पी थे. फिर ये टेलीकास्ट होने के बाद सबको पता चला धीरे धीरे, तब वो भी बहुत ही खुश हुए. मीन्स बैनर्स लगे, तो मीन्स बहुत शॉक्ड हो गए. जी अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी इंडिविजुअली जितना भी अपने अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या है आपके लिए? मेरे लिए तो फाइट सिक्वेंस. जी फाइट सिक्वेंस में आपको चोट भी लगती है, आपको फ्लिप्स करना होता है, कभी कभी हार्नेस होता है. ये कॉस्ट्यूम उसके ऊपर हार्नेस पहनना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल क्योंकि कॉस्ट्यूम भी हैवी है. तो सबसे वही डिफिकल्ट जाता है. मुझे तो मराठी और संस्कृत. ओके लास्ट क्वेश्चन गाइस, यू नो ऑफ कोर्स ये जो स्टोरी है इंडिविजुअल काशीबाई की जर्नी की है, बाजीराव की जर्नी, बट आप दोनों की यू नो की भी जर्नी, आप दोनों की स्टोरी की, तो इनिशियली जब आप मिले एंड आज बहुत टाइम हो गया होगा शूट करते हुए, तो कितना आपकी फ्रेंडशिप चेंज हुई है? स्टार्टिंग में कितनी डिफिकल्टी हुई थी? बहुत. स्टार्टिंग में तो इनिशियली हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते थे. हम लोग ऐसे ही जब शूट पे मिलते थे या फिर कोई सीन होता था तभी बात करते थे, बाकी टाइम अपने अपने वैनिटी में रहते थे. बट धीरे धीरे फिर एक दूसरे सीन्स के साथ फिर हम लोग खाना खाने लग गए साथ में, फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने लग गए. और अब ऐसा है कि हम दोनों दिन भर साथ में ही रहते हैं. जब ऐसा हो कि मेरे अकेले का शूट हो तो उसको मैं बुलाता हूँ कि तू सेट पे आ जा, या फिर सिर्फ उसका शूट हो तो मैं खुद आ जाता हूँ. और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया. आप अगर कुछ कहना चाहे, अगर झगड़े भी होते, मस्ती भी होती, क्या किस तरह का बॉन्ड है? अगर झगड़े और मस्ती भी होती है ना, वो भी मीन्स मस्ती मस्ती में होती है, फिर वापस से जॉइंट हो जाता है. okay. मतलब हमेशा के लिए नहीं होती. हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है. ओके लास्टली मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी. एज एन एक्टर, यू नो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो एज एन एक्टर कैसा बॉन्ड है, किस तरह का गिव एंड टेक होता है स्पेशली सीन्स में? कहाँ ये कम पड़ती है तो आप हेल्प करते हैं और आप कम पड़ते हैं तो ये हेल्प करती हैं, कैसे तरह की सीन्स हैं? आई एम नॉट मराठी पर्सन बट आई एम महाराष्ट्रियन, तो मुझे मराठी अच्छे से आती है. तो जब कभी ऐसा हो जाए कि हम दोनों का सीन साथ में है और उसको कोई मराठी वर्ड्स डिफिकल्ट जाते हैं, तो उन वर्ड्स में मैं उसको हेल्प करता हूँ. और उसके साथ साथ वो भी मुझे
कभी कभी क्यूज प्रॉम्प्ट्स में बहुत हेल्प करती है. तो ऐसा होता है कि जब मेरे क्लोजेस्ट शॉट्स हो, क्लोज शॉट्स हो, तो जब सामने वाला खुद पर्सन आपको क्यूज दे, प्रॉम्प्ट्स दे, तो आपका एग्जैक्ट रिएक्शन निकलता है. एंड एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग ऑल्सो. तो उसमें वो बहुत हेल्प करती है और बहुत सपोर्टिव है, हर एक चीज में बहुत सपोर्टिव है. शी इज वेरी सपोर्टिव. ये किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं एक्टिंग में? ये मींस मुझे कोई संस्कृत या मराठी वर्ड्स नहीं आते हो तो मुझे सपोर्ट करते हैं. कोई मींस अच्छे से मैं डायलॉग थोड़ा नहीं बोल पाती हूँ तो भी मुझे सपोर्ट करते हैं. ये हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं. ओके, व्हिच इज ग्रेट. एंड लास्टली, फैंस को मैसेज अगर देना है लेकिन बाजीराव और काशीबाई का कोई भी एक डायलॉग बोल के उस अंदाज में, तो क्या होगा? आपसे स्टार्ट करेंगे. फैंस को मैसेज बाजीराव का कोई भी डायलॉग. हाँ, कोई भी डायलॉग ले बाजीराव के अंदाज में या कुछ भी डायलॉग. जल्दी से आप प्लीज जल्दी से पर कोई डायलॉग तो, या आपका कोई अगर ऐसा स्टार्ट, कोई भी एक डायलॉग है जो साथ में, बस वो बोल के हम बस खत्म हो. युद्ध जीतना सबसे बड़ी बात है. मन जीतना ज्यादा बड़ी बात. मैंने कहा युद्ध जीतना. मैं कह रही हूं ना युद्ध. सॉरी, इट्स ओके. और मन जीतना. मैंने कहा युद्ध जीतना सबसे बड़ी बात. नहीं, मन युद्ध. मन आप भी ये जान जाएंगे बस एक दिन के बाद. आज ही काशीबाई बाजीराव बल्लाल देखना मत भूलना ऑन जी टीवी मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM और Z5 ऐप पे भी. हाँ, अगर जी टीवी पर नहीं देख पाए तो Z5 ऐप पर देख लीजिए. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.